हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है ज्योति विजुअल ब्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं 12। तो आज हम जा रहे हैं, आज संडे का दिन है तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घुमाते हैं क्योंकि बच्चों को भी घुमाना होता है संडे संडे, तो इसीलिए थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, अपना फ्रेश हो जाता है। तो सुबह से मैं उठी थी तो घर का जो भी काम था, झाड़ू पोछा, बर्तन धोने, नाश्ता बनाना, वो सब मैंने कर लिया है। और मैंने भी शावर ले लिया है, बच्चों ने भी शावर ले लिया है, गोलू सो रखा है तो वो उठेगा तो हम निकलेंगे यहाँ से। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और मिस्टर जी भी मेरे रेडी हो जाते हैं, अभी उन्होंने शावर नहीं लिया है। तो अभी आज हम कहाँ जाएंगे वो इस ब्लॉग में आप बने रहिए, क्योंकि अभी कहीं बोला है उन्होंने, कहीं मेला लग रहा है, तो देखते हैं कहाँ जाना है, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। तो जो भी होगा, मतलब घर से निकल जाए तो फिर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो ब्लॉग पे पूरा बने रहिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जब तैयार हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी हम निकल गए हैं और अभी बज गए हैं 2। तो ये देखिए गोलू यहाँ पे दूध पी रहा है और मोनी आगे बैठी हुई है। मोनी देखो यहाँ को, कैमरे को हाय बोलो। हाय। आज मोनी ने नई ड्रेस पहनी है, बोलो गाइस को कैसी लग रही है, बोलो। पूछो गाइस से कैसे लग रही हूँ मैं। क्या कहा तूने? अच्छी लग रही हूँ। तो गाइस ये है मेरा नया टॉप, तो देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं। ट्रेड फेयर। अच्छा रुकना है, मैं कैमरा हूँ यहाँ पे, चला रहे हैं मिस्टर जी गाड़ी। और ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं आज। ट्रेड फेयर। कहाँ है वो ट्रेड फेयर? वहाँ ना गाइस मेला लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से ना, मिस्टर जी के फ्रेंड भी हैं तो उनको भी ले लेते हैं यहाँ से। भावेश नाम है उनका और ये यहाँ पे रहते हैं। रिकॉल भावेश। तो वो भी हमारे साथ घूम लेंगे, ट्रिप में अच्छा सा मजा आ जाएगा, एक आधे जने साथ होते हैं। तो ये अभी हम उनके फ्लैट पे आ गए हैं। तो आम्रपाली वेला, वेला बोलते हैं इसे, वेला है ना, लो राइज विला। अबे तेरे घर के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैसे आएगा तू? तो फ्रेंड ये आ गए हैं भैया। देख के मोनी भैया के ऊपर नहीं। दरवाजा तो खोलो। आगे आगे पीछे आ गई अब। मैंने बना ली भी नहीं, बना ली। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें जाना था प्रगति मैदान। तो यहाँ पे ना हमें ना पार्किंग भी नहीं मिली है, पार्किंग भी फुल है। और वहाँ उन भैया को भेजा था तो वो एंट्री भी वहाँ की बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ अंदर बहुत 2.5 लाख लोग हैं और तो एंट्री अभी बंद कर दी है क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पहुँचे हो गया है 3:30। तो अंदर क्या हो रहा है ये बताएंगे मिस्टर जी, बताओ। ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जोर से बोलो ना। ट्रेड फेयर लगा हुआ है। हंस रहा है। तो क्या बताओ ना कि लगा हुआ है, कैसा होता है, क्या होता है बताओ। अरे 2.5 लाख लोग अंदर है, कोई एंट्री नहीं हो पा रही है। हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पार्किंग गाइस, हम ना पार्किंग लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब पार्किंग लगाने की सोची थी हमने वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा हमारा। अब हम सोच रहे हैं कहीं और जाएं,
कहीं और चले हम घूमने के आए हैं तो घूमने जाएंगे ही कहीं ना कहीं, तो क्योंकि यहाँ आना हमारा हो गया है कैंसिल, डेट फेल लगा हुआ है, जाके जहाँ अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेचते हैं ना, है ना, मतलब जैसे हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मतलब जो इस टाइप के, मतलब हाँ, तो अपने अपने स्टेट के अपने अपनी चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं। और तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई है, ऑनलाइन एंट्री होती है वैसे, तो ऑनलाइन हमने की नहीं थी तो ऑफलाइन कर रहे थे, तो यहाँ ऑफलाइन भी एंट्री बंद हो गई है और इतनी ज़्यादा भीड़ है तो हमने सोचा चलो अब हम कहीं और जाते हैं। तो देखो अभी हम सोच रहे हैं अक्षरधाम निकले हैं यहाँ के लिए, वो भैया का वेट कर रहे हैं, वो भैया भी आए नहीं है, हम उन्हें उनको बोला कि आप जाके वहाँ जाके टिकट ले लो, तो वो टिकट लेने गए हैं वो, अब उन्होंने बोला था कि फ़ोन में ही बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा करके, टिकट नहीं मिल रही है, ऑफलाइन हुआ जो भी है, तो अब वो आ गए वो पैदल ही आ गए, देखो उतने दूर से यहाँ पैदल आए, यहाँ ना गाड़ी रोकने की भी जगह नहीं है। तो अब हम जाते हैं यहाँ से अक्षरधाम को, निकलते हैं तो दिखाते हैं आपको अक्षरधाम या इंडिया गेट जो भी जैसा भी होता है। पेपर वेपर है तो दे यार, हैं ये भैया आ गए बच गए बहुत खतरनाक भीड़ गाइस। तो हम जा रहे हैं अभी कनाडा प्लेस, तो वो यहाँ मौज मस्ती वाली जगह लो। मोनी अपनी ड्रेस दिखाओ यहाँ को देखो, हाय बोलो, हाय। अभी जाएंगे हम, अभी हाय करो, सोया था उठ गया ये। ये लोग तो गए हैं वहाँ को बाहर अंदर को शूज लेने देखने गए हैं अभी पता नहीं, तो देखिए गाइस कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ को आओ। तो गाइस अभी ना हम कनाडा प्लेस में घूम रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे हस्बैंड लोग ना बार बार हर इधर उधर शॉप में घुस जा रहे, तो मोनी मुझे मना कर रही है कि मम्मी यहाँ शॉप में नहीं आना, तो मैं बाहर से ही, मैंने सोचा बाहर से ही थोड़ी वीडियो बना लूँ, तो अंदर मुझे जाने नहीं दे रही है, ये कह रही अंदर नहीं जाएंगे हम, तो बाहर से ही ऐसे वीडियो बना रही हूँ मैं। ये देखिए जगह जगह पे मैं वीडियो में कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ना बच्चे भी देखने हैं, बच्चों को भी पकड़ना है, तो इसीलिए, और यहाँ पर ना भीड़ भी ज़्यादा हो रही, तो इसीलिए। तो ये देखिए अभी यहाँ पर ना हम पार्किंग में खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे पूरा कनाडा प्लेस है, बहुत बड़ा है यहाँ पर एरिया। डॉगी को बुला रहा है बुला डॉगी को, बोलू बुला डॉगी को, आ जा, भीड़ लग रही है यहाँ भी। Summer's day, hot sun and blessing in a magic way.
Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for. मोनी के पीछे रहो। ओ पपरी, ये तो भारी लगी है। गाइस, हमें ना कनॉट प्लेस में हो गई है रात, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं कहाँ जाएंगे इंडिया के, हाँ? देखते हैं जहाँ जाते हैं फिर बताते हैं आपको। वीडियो में देख बने रहिए। प्लीज़ ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और हम कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद तो वो मैं अगला ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा हम कहाँ गए। और चलिए गाइस, इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।